बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फ़िलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, इस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। कोरोना की खबरें बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की है। केसेज़ की तादाद के अंदर भी खासा इजाफा और जो मवाद है उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों के केसेज और मवाद बताई गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 3 दिनों के अंदर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 4662 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और अब इन 4662 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 275166 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर मजीद रिकवरीज भी आई है, आप लोग देख सकते हैं 242874 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 3 दिनों के अंदर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 143 पर्सन की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। आप लोग देख सकते हैं हाई नंबर्स हैं, 3 दिनों के हाई नंबर से पहले 119 पर्सन की हुई थी डेथ पिछले हफ्ते, और अभी जो है 143 पर्सन की डेथ हुई है। और ये 143 पर्सन की डेथ मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 3283 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हकीकतन जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है उसके अंदर खासा इजाफा हो रहा है। मवाद आपके सामने है, तो इसके पेश नज़र अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत हैं हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, वो यही है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, तो को बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें, अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती हैं वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।